हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम तो आप सब कुछ मतलब सबको मालूम ही है, तो नाम बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो बेसिकली ये वाला वीडियो अंदर की फीलिंग्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है मतलब कॉलेज का, मतलब आज पेपर दिया और सब खत्म हो चुका है, सब बच्चे घर पे जा रहे हैं। मतलब हो रहा है थोड़ा सा अंदर से फील ऐसा कि थोड़ा मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता था। तो बेसिकली क्या था कि मतलब 12th पास कर लिया, अब जाना था मुझे रोबोटिक्स में कुछ करना था। रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड मतलब बचपन से था, तुम नहीं मानोगे मतलब मैं कितना मतलब जो समझदारी बोलते ना, जब बच्चे में समझदारी आती है तब से मतलब सोचा था कि रोबोटिक्स करना है। तो अब 12th तो पास कर ली, गुजरात में रोबोटिक्स था नहीं, तो मैंने हमारे सर थे 12th में फिजिक्स पढ़ाते थे सिटी पटेल सर, तो उनको बोला कि सर मुझे मतलब इनोवेशन में अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया कि एक मैकाट्रॉनिक्स करके ब्रांच है, तो तू उसमें जा सकता है। तो फिर मैंने सर्च किया, फिर मालूम पड़ा कि हाँ इसमें भी रोबोटिक्स सब है। तो फिर हम तो ढूंढने लगे कॉलेज। उसके बाद मान लो वो बहुत बड़ी प्रोसेस है, मुझे वैसे निर्मा में एडमिशन मिला, निर्मा नहीं हो क्या बोलते उसको, PDPU में एडमिशन मिला था। फिर उसके बाद मैंने गणपत में लिया, वो क्या प्रोसेस थी वो अब थोड़ी जाने दो, वो बात नहीं करूँगा। सो बेसिकली क्या था, अब इंजीनियरिंग में तो आ गए, अब यहाँ पे आके देखा तो सब इंग्लिश बोलने वाले, मतलब गुजराती मीडियम में मैं था, मतलब मेरे लिए तो बहुत हार्ड सिचुएशन थी, क्योंकि डायरेक्टली गुजराती में से इंग्लिश मीडियम में आना बहुत मतलब लग गई थी हमारी तो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या मतलब वो बेसिक वर्ड ही बोलते थे कि परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सब मतलब मुझे पता था, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब हार्ड पड़ रहा था, वो जो भी सेंटेंसेस बोल रहे थे थोड़ा सा हो रहा था कि मतलब मीनिंग क्या होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्टीज आए, पर धीरे धीरे उसको भी ओवरकम कर लिया। और आज हम इतने कैपेबल है कि मतलब कोई भी स्पीच बोलने को बोले तो भी बोल देंगे, स्टेज पे जाके बोलने को बोले तो भी मैं रेडी हूँ भाई। अब मेरे को टेड टेक्स में जाना है, सच्ची में टेड टेक्स में जाना, मतलब वो जाऊँगा बाद में, एक दिन तो जाऊँगा, ये वीडियो में तब दिखाऊँगा कि मैंने ऐसा बोला था, मैं जाके आया। और हाँ, तो मतलब इंजीनियरिंग में मतलब एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी, मतलब 3 Idiots मूवी तो देखी थी, तो लगा कि वहाँ पर जाके ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसे बच्चे मिलेंगे उनके साथ ये बनाएंगे बनाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने खुद की टीम बनाई थी मेकाबॉट, मतलब वहाँ उसमें मैंने क्या किया कि सभी ब्रांच के अलग अलग बच्चे लिए थे, बायोमेडिकल्स के, ऑटोमोबाइल, फिर मैकेनिकल के, मैकाट्रॉनिक्स और IT में से बच्चे लिए थे, क्योंकि सब ब्रांच अगर मिलके हमने ये 10 की मैंने टीम बनाई थी। अगर शायद ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ये फॉर्म देखो मैंने इसमें मतलब फैब्रिकेशन आप किस में इंटरेस्टेड है वो सब डाला था। तो सोचा था कि टीम बनाऊंगा और सोचूंगा कि चलो कुछ प्रोजेक्ट पे काम करें या कंपटीशन में जाएंगे, ऐसा कुछ खुद की टीम मतलब बना के, तो मतलब वो तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में दो जूनियर आए, रोमियो और थे, फिर हमारी टीम बनी मेकावट, हम तीनों की टीम थी, मतलब हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में उसके बाद तो पार्ट लिया, और मेनली दो कॉम्पिटिशन मेरे लिए बहुत अच्छे थे, एक IIT गांधीनगर और IIT बॉम्बे वाला। सो IIT गांधीनगर हम जाके मतलब वो भी भाई बहुत बड़ी मतलब ट्रेट क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजेडी थी, हाँ तो ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी। और क्या था, हाँ अगर वो वाला वीडियो देखना है, IIT गांधीनगर का नहीं, IIT बॉम्बे वाला मेरे पास टेक फेस्ट का वीडियो है, अगर जिसको वो वाला व्लॉग देखना है तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पे जाके देखना है कि वहाँ पे कैसा था, क्या सीन था वहाँ पे, डांसिंग वांसिंग का मतलब बहुत कुछ था, मतलब मज़ा आ गया वहाँ पे, तो वो था थोड़ा सीन। और मतलब उनके साथ सच्ची में यार मतलब थे, और रोमियो भाई बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, उसमें भी थे भाई मतलब फुक सुक वांगड़ बोल दो तो भी चलेगा भाई, उतना टैलेंटेड है भाई बंदा है। सो वो दो जूनियर मिले, और उसके बाद एक और जूनियर मतलब यहाँ पे भी अभी 4th साल में मतलब लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में वैसे बोले तो लॉकडाउन ने मतलब पूरा हैस नहस कर दिया था, घर पे कुछ सच्ची में कुछ नहीं किया ना, तो मेरे पास लैपटॉप था तो मैं कुछ कर पाता, और मोबाइल था, मोबाइल में बस भाई गेम ही खेली, लाइव स्ट्रीम ही किया मैंने तो, और कुछ किया नहीं था लॉकडाउन में तो मतलब वही किया था। और उसके बाद अभी लास्ट ईयर में मतलब 3 या 4 जूनियर ऐसे मिले, मतलब उनके साथ बॉन्डिंग इतनी बढ़ गई हमारी, मतलब हम दोनों अब लोग साथ में घूमते हैं, अभी मस्ती करते हैं सब, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर वो पहले मिले होते ना मतलब बहुत मज़ा आता, फिर भी क्या कर सकते हैं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो और बस थोड़ी अब कॉलेज की बात करना चाहता हूँ कि कॉलेज में बस अब वही दिन याद आएंगे कि यार 2 मीटर मतलब थोड़ा अंदर से वो रोना आ रहा है, पर क्या करें, मतलब होता है कि कॉलेज में अब वापस नहीं होगा कि चलो भाई अब बंक मारते हैं, मतलब कोई ग्रुप में मैसेज करेगा भाई लैब में जाना है कि नहीं जाना, वो कोई बोलेगा भाई नहीं जाना, उसके बाद भाई सब यस यस लाइन में आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मैं भी नहीं आ रहा, उसमें भाई लास्ट में एक बंदा आके बोलता है कि यार जाना है, वापस सबके मूड चेंज हो जाते हैं भाई,
घटिया। और इसमें भी बहुत एक दो बंदे तो होते ही भाई पढ़ाई करने वाले जो चले जाते हैं, पर क्या करें, ऐसा होता रहता है कॉलेज में। तो मतलब वो सब याद आएगा, फिर वही सबमिशन वबमिशन, वो रात रात चक के सबमिशन किया है, वही गाने बजाए हैं। और हॉस्टल में तो भाई पूछो मत, हॉस्टल में मेरी मतलब अभी जो मैं रूम में बैठा हूँ 62 नंबर में, मतलब पहले साल से 4 साल तक एक ही रूम में बैठ रहा हूँ हॉस्टल में, यहाँ पे 62 पास में ही हमारा यहाँ पे जॉइंट यहाँ से। तो मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग अच्छी, मतलब फैमिली जैसे हम रहते थे, 162 फैमिली हमारा ग्रुप था, मतलब नाम है हमारा अभी भी, तो मतलब हम साथ में ही अभी भी। और बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, मतलब ये लोग तो यहाँ पे रहते ही थे, हम लोग जो दो रूम वाले थे वो तो थे, दूसरे अलग से नीचे से भी बंदे आते थे, मतलब हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सबकी। तो मेरे रूममेट्स थे स्मित बोद्रा और जतिन जैन, और पास में थे देव, देव था, फिर उसके बाद ध्रुव और एक निहार था। जो निहार था वो थोड़ा हमसे मतलब थोड़ा कम इंटरेक्टिव था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स थोड़े अलग थे, तो मतलब वो उसके साथ ही ज़्यादा रहता था, मतलब वो हमारे साथ नहीं रहता था ज़्यादातर। पर नीचे से एक आयुष है, दर्शन है, फिर दर्शन अखाणी, दर्शन चौहान, पटेल पटेल क्या था, पार्थ पटेल, पार्थ भी था उसको भूल गया, कोई नहीं होता है भाई, नाम भूल जाता हूँ क्या करूँ। तो मतलब वो सब थे, मतलब मज़ा आता था यार रहने में, मतलब मज़ा आता बहुत, सब क्या बोलूँ। अगर हॉस्टल की बात करूँ तो मतलब हॉस्टल में तो भाई बहुत सारी मस्ती की है, मतलब पहले मैं नहीं करता था इतनी सारी, पर ये मैंने बोला ना अभी नए जूनियर उनके साथ इतनी मस्ती की ना, उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग शायद मैं डाल दूंगा 3-4 दिनों में डाल दूंगा, क्योंकि उस एक किंचित का बर्थडे भी बाकी ये वीडियो वो भी आएगा, और इसके बाद ये लास्ट डे वाला भी ब्लॉग है वो भी आएगा, और ये वीडियो शायद आज ही मैं डाल दूंगा, 30 तारीख को ही रात को, रात को भी नहीं एडिटिंग में इसमें कुछ करने वाला हो नहीं, बस शायद बैकग्राउंड म्यूजिक लगा तो लगाऊँ। तो वही है मतलब हॉस्टल में भाई एक मज़ा यही था कि रात को, मतलब पहले हमारे यहाँ पे 3 बजे 2 बजे तक टपरी चालू रहती थी, तो मतलब रात को 2 बजे यार कोई फ़ोन करता है भाई चलो चाय पीने जाते हैं, मतलब चाय पीने के बहाने, मतलब मैं चाय पीता ही नहीं पहले, मतलब चाय मुझे पसंद ही नहीं है ज़्यादातर, फिर भी उनके साथ बैठने के लिए बस चाय पी लेता, यही मज़ा है भाई, मतलब दोस्तों के साथ बैठने का यही मज़ा है कि चलो कुछ बहाना निकालो, कुछ बहाने से मिलो, तो मतलब वो मज़ा था। फिर रात को यहाँ पे इतनी मस्ती करते हैं, यहाँ पे हम सब लोग मिलकर, स्टार्टिंग में भाई जब हॉस्टल में आए ना सब पबजी 24 कलाक पबजी खेलते रहते सभी जगह, तो मतलब वो भी अलग मज़ा था भाई वो। और इसमें भी कभी कभी पकड़ा जाता, डायरेक्टर आता था, तो मतलब ये लोग, मैं तब नहीं खेलता था, मेरे पास मतलब फ़ोन अच्छा नहीं था इसलिए, तो मेरे मतलब रूममेट्स खेलते थे तब, मतलब वही लोग मारो मारो पीछे आ रहे पीछे आ रहे पीछे आ रहे, तो मतलब रेक्टर तभी आता था भाई क्या हुआ क्या हुआ भाई, कभी कभी तो वो चिल्ला के बोलता था भाई तुम लोग करते क्या हो इतने जोर से चिल्लाते हो भाई सब बंद कर दो। फिर उसके बाद तो मेरा भी क्या ये Realme 3 Pro मेरा भी फ़ोन आ चुका, तो मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो खेला तो अच्छा लगा, फिर सोचा कि चलो यूट्यूब भी स्टार्ट करते, क्योंकि तब मतलब मॉडल आया था ट्रेंड में, तब नाम उसका आया था, तभी मैंने सोचा कि तभी मैं स्टार्ट करता हूँ, पर तब क्या थी मतलब एडिटिंग वेडिटिंग पता नहीं था, तो फिर सोचा कि चलो कोई नहीं बाद में कर लूँगा। और एक दूसरी बात, हॉस्टल का खाना भाई, मैं सच्ची बात बोलूँ मुझे घर से ज़्यादा हॉस्टल का खाना बहुत पसंद था, इसलिए मैं घर मतलब छुट्टी आती थी तो जाता था, वैसे नहीं नहीं जाता था पर जाता था कभी कभी, पर भाई हॉस्टल का खाना मुझे घर से ज़्यादा अच्छा लगता था, मुझे पसंद था भाई, किसी और को पसंद नहीं पसंद मुझे नहीं पता, तो मतलब वो सब चीज़ था, मतलब रहने में बहुत मज़ा आता था, पर अब नहीं दिन मिलने वाले वापस रहने के लिए, अब वही जिंदगी मतलब कॉलेज की बोले ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गए पर लाइफ की एग्ज़ाम अब स्टार्ट होगी, अब देखना है कि अब उसमें क्या टॉप करेंगे या नहीं, टॉप देखना है कि उसमें कैसे पार होना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्या होता था कि अगर नहीं आता तो कोई दोस्त सिखा भी लेता था, पढ़ भी लेते थे वो, कोई पढ़ा भी लेता था, पर लाइफ के एग्ज़ाम में कोई नहीं है भाई, अकेले है वहाँ पर ही, खुद को ही लड़ना है, जो भी करना है खुद से ही करना है, अगर नहीं आता तो खुद से ही सीखना है, और न्यू कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो खुद से ही लानी है भाई, कोई ला के नहीं देने वाला, तो एक वो पॉइंट है कि वो याद रखना है। और एक बात बोल देता हूँ कि लाइफ में जो भी सीखना होगा नहीं आता ना, अगर मान रहे हो कि ये बहुत हार्ड है नहीं आएगा, तो एक ही रास्ता है ट्राई, तुम जितना ट्राई करोगे तुम वो सीख जाओगे, एक वही पॉइंट है, उससे अलावा मतलब आप कुछ और रास्ता है ही नहीं लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुली बनना है ट्राई, जस्ट ट्राई। और कभी कभी क्या मतलब सेल्फ कंडीशन रखो कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरे साथ मतलब ये होगा, या मेरे मुझे ये जो चीज़ पसंद है वो चली जाएगी, मतलब एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि हुआ क्या कि मैं एक बार बस में ट्रैवल कर रहा था, तो बस मतलब पूरी भरी हुई, तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ भी और एक्सट्रोवर्ट भी, मतलब दोनों है, मतलब जो एक मिक्स होता है वो मैं हूँ, तो मतलब क्या हुआ कि अब बस जा रही है सीढ़ियों पे, नीचे सीढ़ियों पे जगह सब बस भरी हुई, मैं थोड़ा सा सीढ़ियों से मतलब 4-5 स्टेप पीछे था, तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पे कोई बैठा है नहीं, तो मुझे सोचा कि जाओ,
पर थोड़ा उसे घबराहट इंट्रो टाइप वाले की जो घबराहट होती है वो स्टार्ट हो गई, क्या करूँ, जाओ या ना जाओ या ना जाओ। मतलब फिर कंडीशन रखी, अगर मैं नहीं गया तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब फिर मतलब अचानक मन में से पैर ऐसे भारी सा हो गया, फिर भी मैंने पैर उठाया। मैंने बोला कि अगर नहीं आज नहीं गया ना तो मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा। फिर पैर उठा के मैंने आगे रखा है, मतलब पूरा शरीर गरम गरम गरम, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, फिर भी मतलब सोचो भाई इतना पूरा बॉडी गर्म हो गई मतलब डर से। फिर मैं जैसे ही बैठा फिर सोचा हाँ अब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मतलब ऐसे ही एक कंडीशन रखो, अगर कहीं पे स्पीच देने जा रहे हो, कुछ कॉन्फिडेंस गेन करना है कि क्या करूँ, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे लाओ, तो ऐसी कंडीशन रखो कि अगर मैंने आज यहाँ पर स्पीच नहीं दी, अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो मेरे साथ ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ सोचो, कंडीशन बनाओ खुद की। तो अब सब लोगों का मतलब थोड़ा सा ऐसा सवाल होगा कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। सो बेसिकली अभी मेरी एक जॉब की बात चल रही है अहमदाबाद में, ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब मेटावर्स के रिलेटेड जॉब है, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अभी के लिए। सो है उसमें बहुत सारा मतलब फ्यूचर अभी आने वाला, मतलब ख़तरनाक हो तो सबको पता ही मेटावर्स अभी चल ही रहा, मतलब कितनी बातें हो रही है मेटावर्स के रिलेटेड। सो और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी मतलब जो व्लॉग डालता हूँ मैं आज तक कभी ऐसे ही मतलब पब्लिक गेन के लिए तो कभी डाला है नहीं, मतलब ऐसे ही मेमोरीज के लिए डालता रहता हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और तो कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, मतलब है ऐसा ही बहुत कुछ बोलने के लिए, भाई अभी कुछ याद नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ सो अभी लास्ट डे है आज, मतलब सोचा है कि जा रहे सब लोग वापिस अनलिमिटेड खाने के लिए सलाड, पिज्जा मैं नहीं खाता, पहले से मैंने बोला पिज्जा मेरे को पसंद नहीं, अनलिमिटेड सलाड खाने वाले, तो आज वो व्लॉग में आने वाले, वो व्लॉग में आएगा, आज के वीडियो में नहीं आएगा, वो कल या परसों डालूंगा, डालना पड़ता है भाई, 3-4 व्लॉग एक कब डालूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को, वो नहीं डालूंगा, आराम से वो देख लेना, क्योंकि अगर मज़ा आए तो भाई देख ही लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने तो कभी बोलता नहीं कि भाई लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, मतलब बोला एक बार एक दो वीडियो में बोला है, वैसे मैं नहीं बोलता हूँ, यूट्यूबर है तो थोड़ा सा मतलब ऐसे बोले जाओ। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने व्लॉग वाले वीडियो में। तो ये था मतलब थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि मतलब कैसा रहा, थोड़ा क्या मतलब स्क्रिप्ट नहीं बनाई मैंने तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मतलब कुछ पॉइंट्स रह भी गए, कुछ पॉइंट्स नहीं थे वो भी आ गए, तो मतलब ऐसे ही स्क्रिप्ट बिना स्क्रिप्ट के ही सोचा था कि मतलब बोलूंगा जो भी मन में आया बोलूंगा, ऐसे स्क्रिप्ट में मतलब अच्छा मज़ा आता है फिर भी बिना स्क्रिप्ट के बोलना था इसलिए। तो ठीक है चलो व्लॉग देख लेना, अभी मैं जा रहा हूँ।